यार मजा आ गया यार, एकदम से झक्का सर, ऐसे तन बदन को झूके जैसे धूप जाती है, तो मजा आ गया यार बीच के ऊपर लेटे हुए। तो आज बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा आराम करने का मिल रहा है बीच के ऊपर। हाय 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 हाय, मजा आ गया यार। आज तो यार रंग लग गए, फिर आज तो मजा आ गया यार। तो भाइयों कैसे हो, हम एक बार फिर से आ चुके हैं, और आपको तो पता ही होगा कि यार मम्मी भाई जो हैं 5-6 दिन के लिए बाहर गए हैं, और मुझे अपना चैनल थमा दिया और मुझे बताया कि 5 या 6 दिन के लिए तुमने हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करना है। तो वैसे हम इन काम में पढ़ते नहीं हैं, वैसे हम बहुत शरीफ इंसान हैं, बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, हम ये टुच्चे मुच्चे काम में पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो यार मम्मी भाई हैं तो कर लेते हैं, हमारी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस सेम ही है तो हम भी कर लेते हैं। तो 5 या 6 दिन के लिए चैनल जो है मम्मी भाई का हमारा है, और उनकी सारी गाड़ियाँ प्रॉपर्टी वगैरह जो हैं वो भी हमें उन्होंने थमा दी हैं। तो यार बड़ा मज़ा आने वाला है 6 दिन के लिए। और मॉड मेन्यू जो उनका मस्त मॉड मेन्यू है, ये देखो कितने सारे ऑप्शन है इसके अंदर, मजा आ गया यार। तो बहुत सारे ऑप्शन है इस मॉड मेन्यू के अंदर, और वॉड मेड व्यू बहुत, मुझे बात नहीं निकल रही यार, अरे क्या कर रहा है। तो मॉड मेन्यू भी है हमारे पास, तो बहुत सारे ऑप्शन है। अरे भाग जा, मैं कह रहा हूँ, मैंने प्याज के छिलके फेंकने तेरे ऊपर, भाग जा, मैं कह रहा हूँ, समझता क्या है अपने आप को, कभी गाड़ी नहीं देखी है। ओए तू भाग, कहाँ जा, आया तेरी, मैं तुझे, मैं पता 3 साल कुंफू मैंने किया तेरी, मैंने तेरी बत्तीसी तोड़ देनी है मसम्मी फेंक के, तेरी मैं सबर कर, धक्का मारेगा मुझे, धक्का मारेगा वो, ओए तेरी मुंह पे मुक्का, ओए मुंह पे मुक्का, पैगा अंदर का मुंह पे मुक्का मारेगा तू, हर देखा कैसे मैंने डॉज किया तेरे मुक्के को, देखा देख, ओए धक्का कैसे, सबर कर तेरी, अब तू गया, अब तू गया, अब तू आ जा, नहीं मुक्का खाएगा मुक्के पर, अभी आ, ओए देखा कैसे कैसे मैंने ऐसे घुमा के तेरे ऊपर मैंने कोनी मारी हाथ की, देखा कैसे बच रहा हूँ मैं, ये मेरे मुंह पे बच जाइए, मैं बहुत ही शैतान इंसान हूँ, और मेरे पंगे फिर जूते उतार के मारूंगा, अरे जूते ने मैंने पहने नहीं जूते ने मैंने पहने यार, मैं कितना फनी हूँ यार मैं बहुत फनी हूँ यार, मैं बहुत फनी हूँ भाई, और तू कहाँ जा रहा है, ये भी तेरा तेरा लौंडा था ना, तेरे लौंडे को मैंने मार दिया, तू बच के कहाँ जाएगी, कहाँ जा रहा है, सबर सबर कर बेटा, आज से हम हैं लॉस सेंटोस के प्रधानमंत्री 5 दिन के लिए, तो बच के कोई भी नहीं जा सकता। मॉड मेन्यू और ये पम्मी भाई की गाड़ी, ये कहाँ जा रहे हैं भाग के, भागला साला यहाँ से, कभी बंदे ने देखे तुमने, सारा मेरा बीच वाला जो सन बेडिंग का जो सेशन था वो सारा इन्होंने खराब कर दिया। चलिए तो मैं ये कह रहा था कि पम्मी भाई की सारी गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ मेरे पास है, मॉड मेन्यू भी मेरे पास है, तो और उनकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब मेरे पास है 5-6 दिन के लिए। और देखिए कितना बड़ा मॉड मेन्यू यार, हर एक चीज़ इसके अंदर मौजूद है यार, बहुत चीज़ें इसके अंदर, सिर्फ खाने पीने वाले कोई सामान इसके अंदर नहीं है, अगर वो भी होता तो यार एकदम मजा आया था। और ये क्वाड बाइक वाले कहाँ जा रहा है, क्वाड बाइक दे, अच्छा हमसे लड़ेगा, हमसे लड़ेगा, हम पता है टेकन 3 में सारे बंदों को एक ही में मार दूँ, तू का धक्का मत मारा कर मुझे, देख सबर तेरी ख्याल नहीं, आज तो तू गया, ये तो तेरे कपड़े देख के मैं तेरे ऊपर थोड़ा वो सॉफ्ट तरीके से पेश आ रहा हूँ, लेकिन तू जानता नहीं, देखा कैसे मैंने खिड़की मार के तेरे मुँह के ऊपर मुक्के मारे, तुझे पता भी नहीं लगा, ये कात लात का गोडो के ऊपर तेरी लात मारी मैंने, बच के कहाँ जाएगा मेरी जान, कैसे मैं घुमा घुमा के तेरे ऊपर खिड़की मार के मैं ये घूम के मुक्के मार रहा हूँ, सबर कर, मैंने तुझे छलांग मार के चपेट मारनी, और ऐसी चपेट मारूंगा ना कभी जिंदा भी नहीं उठेगा, जूते उतार के मारना तेरे मैंने, लेकिन फिर से याद आया मैंने तो जूते पहने ही नहीं है मैं कितना फनी हूँ यार, मैं कितना फनी हूँ यार तो लीजिए पम्मी भाई की जो जेट्स की है वो भी हमारे पास है, तो हम इस 6 दिन के लिए, मैं इन चैनल का इंचार्ज, पम्मी भाई ने मुझे खुद कहा कि मेरे पैर पकड़ रहे थे, वो तो मेरे आगे मेरे पैर पे गिर के मुझे कहने लगे यार पागल भैया मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तो मेरा हमारा प्यारा बंदर है, तो यार तो ये चैनल की ये जो देख रेख है तूने 6 दिन के लिए तूने करनी है, तो मैंने कहा यार चलो यार मम्मी भाई हमारे भाई हैं, तो यार भाई का साथ तो भाई ही देगा यार, भाई का साथ तो भाई ही देगा यार, यहाँ पे बर्गर खा लेते हैं, और चले भाऊ 4 बर्गर बना, 4 बर्गर शान पट्टी कहाँ जा रहा, बर्गर कौन बनाएगा मेरे बाप, अरे बर्गर कौन बनाएगा यार, ये क्या है यार, कभी कुछ खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है यार, इतनी बड़ी सिटी और मैं भूखा मर रहा हूँ यहाँ पे यार, कुछ खाने के लिए कुछ दे दो यार, ये का इस तेरी कॉट ये पम्मी भाई की जट्स की भी मैं उड़ा देता हूँ, ये उसको क्या फर्क पड़ता है वो फिर से ले लेंगे, अरे कोई खाने पीने के लिए कुछ दे दो, मैं कह रहा हूँ ये मिनी गन के कहर से बच के तुम सालों कहाँ जाएंगे, एक बंदा नहीं कह रहा कि यार अपने पैगो बंदर को कोई बर्गर बर्गर खिला दें यार, कोई बिरयानी वगैरह खिला दें यार, साथ में अचार भी हो और साथ में पापड़ भी हो, तो पापड़ अचार और बिरयानी का कॉम्बिनेशन तो एकदम डेडली होगा फिर हमारे यहाँ, तो यार एकदम मस्त यार, एकदम झकास मजा आ गया यार आज तो, फिर यार ये धूप सेंकते हुए यार
एकदम। ये देखिए बम्मी भाई की सारी बंदूकें भी हमारे पास है, तो यार पूरा कंट्रोल है। अरे बाप रे कितने सारी बंदूक है हमारे पास। वो पहले मुझे धुएं वाली बंदूक देके पूरा दिमाग क्या मेरा कचूमर ही बना दिया था, लेकिन आज तो हमारे पास पूरी टोटली पूरी फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरी सिटी की बैंड बजा देंगे हम तो, बैंड पूरी सिटी हमारे कब्जे में आ चुकी है। आज तो इनका तो कुछ नहीं होने वाला, आज इनका कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हम ये पम्मी भाई का जो महान हाइड्रा जो यहाँ वहाँ उड़ाते रहते हैं ना, तो सबसे पहले हम हाइड्रा को नष्ट करेंगे। हाइड्रा उड़ाने में तो मैं पम्मी भाई से भी ज़्यादा शेर हूँ यार। ऐसे हाइड्रा उड़ाऊंगा ना, ऐसे हाइड्रा उड़ाऊंगा कि आसमान के पक्षी भी हैरान हो जाएंगे कि ये कौन सी चीज़ आ गई आसमान में। अरे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन टेंशन मत कीजिए, सब अंदर कंट्रोल है भाई, कुछ नहीं होने वाला हमको कुछ। अरे आए बचा लो मुझे यार, ये मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। देखा मैंने कैसे लैंडिंग की, पता भी नहीं लगा मैंने लैंडिंग कर दी। अरे कोई बात नहीं, हमारी लैंडिंग को भी आप भी सीख जाओगे किसी दिन, ये लैंडिंग बड़ी स्किलफुल चीज़ होती है। कोई बात नहीं, ऐसी लैंडिंग आप भी सीख जाओगे। क्या कर रहा, कभी बंदर नहीं देखे भाग रहा सारे यहाँ से, कभी बंदर नहीं देखा तूने? और ये देखो कौन जेट स्की के ऊपर कैसे लहरा रहे हैं सारे हराम कौर। तो पूरी छुट्टी एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 दिन के लिए हमारे कब्जे में है, तो हम ये 6 दिन बड़ा मजा करने वाले हैं, बहुत मजा करने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अरे मैडम जी कहाँ जा रही हो? ये पम्मी भाई ने मुझे खुद मुझे चैनल का इंचार्ज बनाया है, ये मुझे खुद उन्होंने कहा है वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। एक मिनट फोन आ गया। अरे 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 पम्मी भाई कैसे हो यार, आप हॉलीडे करने गए हो तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? फोन काट दो, मैं कह रहा हूँ फोन काट दो, आपके ऊपर वो STD पड़ जाएगी, बहुत महंगी फोन होती है फ्रांस से, मैं कह रहा हूँ। एक काम करो आप फोन काटो, मैं यहाँ से आपका फोन लगाता हूँ। और टॉपअप की टेंशन मत कीजिएगा, आपके पास मेरे पास आपका क्रेडिट कार्ड है, मैं फिर से टॉपअप कर लूंगा, टेंशन मत कीजिए यार, फोन काट लीजिए। अरे अजीब पागल इंसान है यार तू तो यार, मैंने तुझे फोन करने के लिए तेरा हालचाल पूछ रहा हूँ और तू मुझे कह रहा है कि फोन काट लीजिए। कौन से दिन देखने पड़ रहे हैं हमको यार, ये क्या चक्कर क्या है, क्या कर रहा है तू, इतना बिजी कैसे हो सकता है, तू कर क्या रहा है, चैनल के ऊपर तो कहीं तो नहीं गया? मैंने देख तुझे बता रहा हूँ कि चैनल के आस पास भी तू नजर आया ना। अरे पम्मी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, इस लाइन की सभी प्राणी व्यस्त हैं, तो आप कृपया करके 4 साल बाद फोन कीजिएगा। मैं फोन ही काट देता हूँ यार, ओहो पकड़ गए। अरे भाई यार सॉरी यार, मैं चैनल के ऊपर मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन यार सॉरी यार, मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा यार 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए मम्मी भाई बाहर गए हैं, तो मैं अपना रोब जमाता हूँ चैनल के ऊपर। यार आप प्लीज़ यार उनको मत बताइएगा यार, वो बहुत मारते हैं यार। अरे यार मेरी चोरी पकड़ी गई यार, मैंने सोचा था कि यार चैनल के ऊपर मस्ती मारेंगे, लेकिन यार सबके सामने फोन कर दिया यार, मम्मी भाई ने पूरी पोल खोल दी हमारे। यार 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 ये इतने दिन बाद मुझे यार ये हथियार वगैरह मिले थे, मॉड बनी मिला था, और ये गाड़ियाँ वगैरह मिली थी, और ये इतनी सारी बंदूकें मुझे मिली थी, और मैं धुएं वाली गन को यूज़ कर करके तंग आ चुका हूँ। देखिए कैसी धुएं वाली गन, छतरी मार नहीं सकता, इस इतनी बेकार गन है कि गन से छतरी भी नहीं जलती, तो मैं बंदे क्या खाक मारूंगा यार। ये इतने सारे ऑप्शन मुझे मिले थे, वो सारे चले जाएंगे यार, प्लीज़ यार ये बात बताइएगा यार, मुझे बहुत मारेगी। फिर से फोन आ गया। आप पम्मी भाई कैसी हो यार, वो नेटवर्क चला गया था यहाँ पे यार, ये बहुत गंदी जगह, मैं बहुत गंदी जगह पे खड़ा, प्लीज फोन काट दीजिए, यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता यार। अरे तू कहाँ पे है यार, मैं कब से फोन करने की ट्राई कर रहा हूँ और तू मेरी फोन काट रहा है। अरे तू नाटक मत करके, नेटवर्क चला गया मुझे पता, तूने फोन काट दिया, कर क्या रहा है तू इस टाइम, क्या कहाँ पे बिजी है तू, कर क्या रही है बता तो सही ना, कर क्या रहा है तू, कहाँ पे है यार? मैं अब इसको क्या बोलूं यार, मैं एक बार फटाफट गाड़ी निकाल लेता हूँ, फिर ड्राइविंग करके बात करते हैं पम्मी भाई से। हाँ हाँ हेलो पम्मी भाई, फोन पे ही हो ना? हाँ मैं फोन पे ही हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि तू कुछ बोले, बोल रहा ही नहीं है, बड़बड़ कर रहा है। तो ये बता कि तू चैनल पे तो नहीं गया ना, और तू कर क्या रहा है पहले ये बता। अरे बाबा जी मुझे चैनल का तो पता ही नहीं है कि चैनल होता क्या, ये चैनल क्या होता है, यूट्यूबिंग क्या होती है, क्या करते रहते हो यार? और आप ये फ्रांस गए हो, कोई फोटो वगैरह तो भेजते नहीं हो क्या, करके तो फोटो वगैरह भेजो आपके इंस्टाग्राम पे, मैं चेक कर रहा हूँ फोटो वगैरह। ये chapati_gamer जो आपका इंस्टाग्राम है, क्या नाम था, यही था नाम ना, chapati@chapati_gamer जो इंस्टाग्राम है आपका। अरे कितनी गाड़ियां मैंने स्पॉन कर ली। हाँ ये फोटो वगैरह डालो उसके ऊपर यार। देख मैंने जो पूछा है पहले वो बता, तू इस टाइम कहाँ पे है, और मुझे लग रहा है कि तू मेरा मॉड बनी यूज कर रहा है, मुझे लग रहा है, और लगता है कि तू चैनल के ऊपर है, मुझे लग रहा है। अरे नहीं हूँ यार, मुझे वो चूरन वाले बाबा की कसम यार, मैं चैनल के ऊपर नहीं हूँ यार, आप विश्वास नहीं करते। अच्छा मैं इस टाइम में मैं इस टाइम यार दर्जी के पास मौजूद हूँ यार, मैंने कोट पैंट सिलवाना है यार। हाँ हाँ सही बात है, मैंने कोट पैंट सिलवाना है, वो नाप ले रहा है ये हरामखोर राहुल हमारा दर्जी जो है, इसके ऊपर मैंने 500 रुपये लेने, और कब से 500 रुपये दे नहीं रहा, तो अरे मैंने गाड़ी फोड़ दी, शिट वो 500 रुपये हमारे दे नहीं रहा, तो मैंने काम कर, मैंने कहा 500 रुपये अपने पास रख ले, 500 रुपये रख ले, तो मुझे कोट पैंट सिलवा दे। अगर आपको कोट पैंट चाहिए, मस्त तरीके का सूट वगैरह चाहिए, तो मैं
सस्ते में काम निपटा सकता हूँ, आप हुक्म कीजिए बस। अरे राहुल, अरे ढंग से नाप लियो, मैं कह रहा हूँ ढंग से नाप लियो। ये कच्छे वाले जो सूट हैं मुझे नहीं चाहिए, मस्त बना के दियो। हाँ देख रहे हो मैं दर्जी के पास हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं चैनल के ऊपर आपके नहीं गया। अगर आपको कोई नाप वगैरह चाहिए तो आप वहीं से नाप भेज दो, मैं सस्ते में आपका काम निपटा दूंगा। मुझे जानते हैं, ये मेरे बचपन का दोस्त है यार, ये हम पिट्ठू ग्राम खेलते थे एक साथ। आपको याद है पिट्ठू ग्राम वाली गेम, जब मैं इसके सर पे चपेड़ मार के भाग जाया करता था, आपको याद होगा। तो एक काम कर, मुझे आज का तो पूरा प्लान बता। मुझे पता है कि तू चैनल के ऊपर जरूर जाएगा, फिलहाल तो चल मैं मान लेता हूँ कि तू दर्जी के पास है, लेकिन बाद में क्या कर रहा, दर्जी के पास हो के तू क्या करेगा, मुझे पूरा प्लान बता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तूने, मुझे पक्का पता कि तू चैनल पे आज जाएगा ही जाएगा, तो मुझे पूरा प्लान बता कि तू बाद में क्या कर रहा। हे भगवान मुझे उठा ले यार, हे भगवान ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी यार। हमारा भाई हमारे पर विश्वास नहीं कर रहा यार, ये कौन सा टाइम आ चुका यार, वाकई में कलयुग आ चुका है भगवान। ये कलयुग से मुझे बचा ले यार, ये कलयुग से मुझे बचा ले यार। हमारा भाई हमारे पर विश्वास नहीं कर रहा यार, कैसा टाइम हमें देखने को मिल रहा है यार। हम सुन लीजिए, मैं आपको आज मैं आपको अपना पूरा प्लान बताऊंगा। ये आपके ये घटिया चैनल पे मैंने नहीं जाना आपसे, मैं जाऊंगा ही नहीं, आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, मैंने चैनल के ऊपर जाना ही नहीं है। तो अभी मैं फिलहाल ये राहुल दर्जी के पास हूँ, और ये पैंट कोट सिलवाने के बाद हम ये भाई ये मुझे ये मोती मछुआरे से मिलना है। हाँ वो उसने कल बड़ी शार्क पकड़ ली थी, पता है आपको, वो इतनी बड़ी शार्क हाथ से पकड़ ली उसने, बहुत ताकतवर है हमारा ये मोती मछुआरा। तो हम मैं उसके पास ये मोती मछुआरे के पास जाना, वो शार्क पकड़ी है, कहता है यार ये बहुत बड़ी शार्क है, तो ये इसको वापस पानी में छोड़ देते हैं। तो मैं वहाँ पे बहुत बिजी हूँ यार, आप मुझे फोन मत कीजिएगा, मैं बहुत बिजी हूँ आजकल यार, दर्जी और ये मोती मछुआरे तो मुझे बहुत बिजी रख कर रखा हुआ। कल हमने पता है दो मछली हाथ से पकड़ ली, मुझे पानी में भेज रहा है वो जो होती है ना वो हुक, वो कहता है कि तू पानी में जा और मच्छी के मुंह में हुक लगा के वापिस आ जा। तो मैंने कहा ये क्या बात है यार, या बस यही काम आ गया हमारे ड्यूटी में, भाई मच्छी के मुंह में हुक लगा के आए। तो मैं बहुत बिजी यार, आप फोन करके दंग मत कीजिए, वो आपके ऊपर एसटीडी पड़ रही है, बहुत महंगी फोन आ रही है फ्रांस से, तो आपको भी बिल पड़ रहा है मुझे भी बिल पड़ रहा है, तो यार फोन मत कीजिए। ये सब कुछ ठीक है यहाँ पे यार, सब कुछ ठीक है यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वेला ही हूँ यार। देख बंदर वाले मुंह, मैं तुझे बता चुका हूँ कि मैं 6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर तू चैनल के ऊपर नजर आया या तेरी कोई भी वीडियो मुझे चैनल के ऊपर नजर आई तो मैं तुझे फिर पता है फिर मैं कैसे मारता हूँ तेरा, मैं वो हल करूंगा, तू जान भी नहीं पाएगा, मैंने तेरी बिरयानी के अंदर जहर मिला देना, तुझे पता भी नहीं लगेगा। वैसे लास्ट टाइम मैंने तेरी बिरयानी के अंदर जहर ही मिलाया था, लेकिन अभी तक जिंदा है तू साला। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये चैनल के ऊपर जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? हाँ हाँ मैं नहीं, आप भाई के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये आपकी गलत बात है यार, ये आपकी, अरे हट जाओ यार, ये बोट पानी के ऊपर, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओह माय गॉड। हाँ अरे मैं चैनल के ऊपर नहीं जाऊँगा, टेंशन कीजिए यार, टेंशन आप एंजॉय कीजिए यार, वो बड़ा वाला जो टावर है ना, जिससे वो फ्रांस के जो एंटीना पकड़ लेते हैं, वो बड़े जो वी शेप में बना, उसकी फोटो मुझे भेजिएगा जरूर। अच्छा वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत बहुत मस्त है, वो मेरा फेवरेट है। मैंने सुना कि आप उसके ऊपर जाके जंप मारने वाले हो, हाँ तो ज़रा ध्यान रखिएगा बमी भाई। तो अरे अरे हाँ तो आप जाइए, क्या कर रहे हो यार, ये फोन के ऊपर क्यों लगे हो यार। और हाँ वो मैंने सुना है पेरिस के पापड़ बहुत मशहूर है, जरा 4 किलो पापड़ पकड़ के लेके आना आने आते वक्त, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा, तो चलो ठीक है पैगो मैं चलता हूँ, ओके फिर, वो ध्यान रखियो अपना, ओके बाय। क्या खाक, ओके बाय, सारी पोल तो यार खुल गई मेरी आपके सामने यार, यार प्लीज ए भाइयो यार, आप जो भी हो कौन सा गैंग है इनका यार, ठाकुर के बंदे कौन सा गैंग है, बिच्छू गैंग, अरे बिच्छू गैंग के बंदो यार प्लीज यार, यहाँ पे यार यार ये मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि यार पम्मी भाई का मत बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ये लिख दीजिए कि भाई पम्मी भाई पैगो जादूगर चैनल के ऊपर नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, ताकि उनको पता लग जाए कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। हाँ ये हाँ एकदम मस्त, मैं बहुत चालाक हूँ, ये बहुत मस्त आइडिया है। तो यार प्लीज यार, यार वो भगा भगा के मारते हैं यार, ये ऐसे लास्ट टाइम मेरे गोडे के ऊपर ऐसे डंडे मार रहे थे, गोडे के ऊपर डंडे, तो मैंने कहा गोडे के ऊपर डंडे क्यों मार रहे हो, तो कह रहा है मैंने तेरे गोडे के ऊपर डंडे मार के तेरा सर तोड़ देना, अरे बहुत खतरनाक इंसान है यार, मैं चलता हूँ यार, यार यार मैं चलता हूँ, ओके ओके एवरीवन, बाय बाय।